चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं कुछ पुराने समय में, कुछ पुरानी कहानियों में, जहाँ पे हम इंसानों से भी पहले और भी किसी अन्य जीव से पहले एक जीव पाया जाता था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले जीव डायनासोर ही थे और उन्होंने लगभग 1400 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पे अपना राज भी किया। ये काफी विशालकाय होते थे, शायद हाथी से भी कई ज्यादा बड़े। इनके स्वभाव भी काफी अलग हुआ करते थे, एक दूसरे से जैसे डायनासोर और को खेलना और खुश रहना ज्यादा पसंद था, तो वहीं कुछ डायनासोर को दूसरों को परेशान करने और उन्हें डराने में ज्यादा मजा आता था। जहाँ कुछ डायनासोर पेड़ की पत्तियां और फल खाते थे, वो किसी जानवर वगैरह को खाना पसंद नहीं करते थे, वहीं बाकी के डायनासोर खूंखार हुआ करते थे। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा था, तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे सारे डायनासोर एक साथ खत्म हो गए और इस पृथ्वी से इस प्रजाति का नामो निशान तक मिट गया। तो आइए जानते हैं क्या थी डायनासोर के इस पृथ्वी से गायब हो जाने की असली वजह। अगर हमें डायनासोर के बारे में बिल्कुल शुरुआत से जानना हो, तो हमें जाना पड़ेगा आज से लगभग 45 मिलियन ईयर पहले, जहां पर डायनासोर की प्रजाति हुआ करती थी। अगर अभी की बात करें, तो डायनासोर पे किए गए तमाम रिसर्चेस और इंस्टीट्यूट की टीम के स्टडी को फॉलो करें, तो ये बताया जाता है तब डायनासोर की प्रजाति इस पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में थी। लेकिन 10 करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा क्षुद्र ग्रह वेज में स्थित एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकरा गया और ये टकराव इतना तेज था कि उस बड़े एस्टेरॉयड की डायरेक्शन ही बदल गई। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी को इससे कोई नुकसान न होता अगर वो पृथ्वी की जगह किसी और ग्रह से जा टकराता। अब तो पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से आने लगा। ये बड़ा एस्टेरॉयड आकर पृथ्वी से टकरा गया और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसकी स्पीड कई गुना बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जैसे ही ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया, पृथ्वी की सतह और इस एस्टेरॉयड के बीच में काफी तेज घर्षण हुआ, जिससे देखते ही देखते आग के गोले में बदल गया और उसके साथ ही अपनी तेज स्पीड की वजह से इसने अटलांटिक सागर को 4 मिनट के अंदर ही क्रॉस कर लिया। यहाँ तक कि इसमें लगी हुई आग की लपटें और उसकी तपिश इतनी तेज थी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तो अपनी आंखें खोल के उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे और उसमें लगने वाली आग की वजह से वहां का टेम्परेचर भी काफी बढ़ गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधे हो गए। ये एस्टेरॉयड कुछ देर बाद मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई मेटल और मिनरल अंतरिक्ष में चले गए। इस विस्फोट की वजह से पृथ्वी पर एक काफी बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया। टकराव के करीब 16 से 17 मिनट बाद पृथ्वी के अंदर हुए इस टक्कर के फलस्वरूप अंदर की प्लेट खिसकने लगी और यहाँ 11.1 की तीव्रता का भूकंप आने लगा, जिसकी वजह से उधर समुद्र में कई विशाल पानी की लहरें उठना शुरू हो गईं और इस पानी की विशालकाय लहरों ने समुद्र और पृथ्वी के अंदर प्लेट के इम्बैलेंस से होने वाले भूकंपीय झटके ने सभी ज्वालामुखी को भी सक्रिय कर दिया, जिससे पूरी पृथ्वी ही जलते हुए आग का गोला बन गई और यही से डायनासोर के विनाश की शुरुआत भी हो गई। इस टक्कर की वजह से यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन शुरू हो गया, जिससे लगभग बचना नामुमकिन था और इसके साथ ही धूल का एक बड़ा ढेर लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की दूसरी तरफ बढ़ रहा था। इन गर्म हवाओं का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु एक एक करके मरने लगे। इस घटना के लगभग 90 से 95 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 200 के पार चला गया और इस तरह से जो कुछ डायनासोर रह गए थे वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तड़प कर मर गए और इस तरह से डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया। लेकिन ये सर्वनाश किसी और प्रजाति के लिए शायद वरदान था और वो प्रजाति थी मैमल्स की प्रजाति, जिसका विकास इस प्रलय के बाद हुआ था। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।